फाइनल दोस्तों अयोध्या पहुंच चुके हैं। तो पहले ब्लॉग में आप सभी ने देखा, अभी हमने खाना पीना कर लिया था और ट्रेन अपनी चल पड़ी थी नेक्स्ट जर्नी के लिए, और अभी लेटे हुए हैं और राहुल सामने की तरफ बैठे इतना राउंड रहा भाई बैठा मैं भाई फुल गर्मी, पूरे हीटर चल रहे हैं पूरे जोर शोर से। तो फाइनल दोस्तों अभी 11:40 हो रहे हैं, तो मैं अभी सोने की तैयारी कर रहा हूँ। राहुल अपना इतने जागता रहेगा ट्रेन में और मैं सो जाता हूँ, फिर वो सो जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द ब्लॉग, मैं आपका सोनू जाट। आज की गुड मॉर्निंग हो रही है ट्रेन से और अभी राहुल सो रहा है दोस्तों, और राहुल को सो गया। अभी अकेला राहुल नहीं भाई, सभी ट्रेन में सो चुके हैं क्योंकि अभी सुबह ठंड ज़्यादा हो गई थी, तो सबने कम्बल लेके सो रहे हैं सभी अपनी। बाहर देख सकते हो धुंध भी आ गई है और ठंड बहुत ज़्यादा है दोस्तों। गुड मॉर्निंग गाइज, बज चुके हैं 7 और अभी सारे उठ चुके हैं ट्रेन में और ठंड भी काफ़ी हो गई है सवेरे सवेरे, और अभी राहुल अपनी जान भी उठ चुकी है, देखो अभी इशारे इसके नशे हो रखे हैं इसके पूरे। तो दोस्तों अपनी ट्रेन हो चुकी है बहुत ज़्यादा लेट क्योंकि हमें जानी पड़ी है वो ट्रेनों को क्रॉसिंग के लिए, तो हमें प्लेटफॉर्म से पहले रोके जा रहा है और प्लेटफॉर्म पे भी रुकना पड़ रहा है, इसलिए अपनी ट्रेन 2 बार रुक रही है, तो टाइम ज़्यादा खपत हो रहा है, इसलिए हमारी ट्रेन ज़्यादा लेट हो चुकी है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप सभी कि सभी लोग कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कानपुर रेलवे स्टेशन का, क्योंकि दिल्ली के बाद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यही आता है, इस पर ट्रेन रुकने वाली है और ट्रेन बहुत लेट है। दोस्तों कानपुर से ट्रेन निकल चुकी है अभी और हम ऊपर ही हैं, नीचे तो गए नहीं, राहुल को इतना बार बोला था मैंने, फोर्स किया था, गया तो ये है नहीं, वो बैठा है रामदारी। आ गए हैं लखनऊ और देखते हैं ट्रेन कितनी देर रुकेगी, वो उस देर रुकते हैं अभी, और राहुल भी बैठा है। तो काफ़ी टाइम हो गया हमें ट्रेन में, 5 बजे चढ़े थे शाम से सिरसा को, और ट्रेन में सफ़र चल रहा है अभी तक, तो ट्रेन रुकी नहीं अभी, तो देखते हैं कब तक पहुँच जाते हैं। ट्रेन बहुत 3-4 घंटे लेट चल रही है, उधर जाके रहना है भाई। तो लखनऊ रेलवे स्टेशन वोरा पहले रुक गई अपनी ट्रेन थोड़ी, वोरा लखनऊ का भाई। फिर दोस्तों अभी आगे चलते हैं और देखते हैं अपना सफ़र कितना और रह गया है, भीड़ हो जाएगी अभी ट्रेन में। जय श्री राम दोस्तों, हम चल पड़े हैं और लखनऊ से अपनी ट्रेन भी निकल पड़ी है, हमें अब वेट नहीं हो रहा ज़्यादा देर, अब देखते हैं आगे कौन सा स्टेशन आने वाला है अपना, जल्दी से अयोध्या पहुंचना है दोस्तों हमें। तो अभी दोस्तों अपनी ट्रेन जो रुकी है वो गोंडा रेलवे स्टेशन पर रुकी है और अभी आगे ट्रेन अपनी बढ़ने वाली है, देखो कहाँ तक अपनी ट्रेन जाती है और ये पीछे ट्रेन चलती आ रही है अपनी। तो दोस्तों हमने सिरसा से जो टिकट ली थी वो गोरखपुर की थी, हमें बस्ती उतरना पड़ेगा। अभी ट्रेन से हम उतर चुके हैं और हम आ गए हैं बस्ती रेलवे स्टेशन पर और अभी जा रहे हैं बाहर की तरफ और कुछ देखते हैं क्या कुछ मिलता है यहाँ पे, और ट्रेन दिखाता हूँ कौन सी है, और सबसे लेट ट्रेन यही हुई है जिंदगी में, 5 घंटे लेट हो गई थी ये ट्रेन है गाइस, वो गोरखपुर एक्सप्रेस। इस सफ़र की सबसे लेट ट्रेन है, सबसे लेट 5 घंटे लेट है ट्रेन अपने समय से, क्या करे बंदा अब, तो पहले बुकिंग कराई हुई तो ये ट्रेन तो मरा दे बंदे को। भाई अभी बाहर को जा रहे हैं कुछ खाने खाए पियेंगे, सुबह से चाय नहीं पिए, मुँह नहीं धोया था, मुँह कौन धोया दिन का धोखे, तो अभी आए हैं 2 मिनट, भाई के पैरों में दर्द हो गया था उसको रेस्ट दिलाते हैं, अभी जूते हैं 600 के तो दर्द करते हैं, खराब हो गया भाई, वीडियो ऊपर तक पहुँचेगी। तो फाइनल दोस्तों अभी यहाँ से तो कोई ट्रेन नहीं है, तो अभी हम जाएंगे बस स्टैंड से देखेंगे कोई बस वगैरह मिलती है फिर तो चले जाएंगे, नहीं यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। यहाँ से तो हमें मणिपुर भेजा जा रहा था, मणिपुर तो उससे अयोध्या 200-300 किलोमीटर दूर है, तो फिर दूर जाने को पैदल थोड़ी, यहाँ से 70 किलोमीटर है, पैदल भी चला जाए बंदा, तो पहले बस स्टैंड जा सकते हैं, वो सर्च करते हैं बस स्टैंड कहाँ पर है। चलो अभी बाहर निकलते हैं बस्ती के रेलवे स्टेशन से, इधर की साहब बस्ती का रेलवे स्टेशन है दोस्तों, ये रहा गाइस राहुल, ये राहुल अपना भाई कंटेंट है इसी वजह से चल रहा है पूरा सिस्टम बना रहा है, और धन्यवाद करके बस्ती के रेलवे स्टेशन को, और जर्नी भी वैसे ठीक ठाक थी, सोने की दिक्कत रही रात को बस पूरी, मज़े आ गई। तो चलो चलते हैं अभी बस देखते हैं। जय शिव शंकर का मंदिर है भाई, जय शिव शंकर बोलना, जय हो। और अभी बस स्टैंड जाना है, बस स्टैंड है यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहाँ पर चलते हैं अभी पहले, और राहुल बोला पैदल ही जाएंगे, पैसे बचाने हैं, मतलब ठीक है पैदल चलते हैं, क्या फायदा। आखिर में इसने टेम्पो करा लिया, टेम्पो ले लिया इसने बस स्टैंड गया, इतनी देर बोल लिया था, अभी जा रहे हैं बस स्टैंड जल्दी, अंकल थोड़ी जल्दी करो यार। हाँ भैया बस
अयोध्या की बस लेने निकल गई ना यहाँ पे। तो ये दोस्तों बस्ती की कोई मार्केट वगैरह है, ये हम जा रहे हैं बस स्टैंड अभी मिलकर फोन जमा ही काम का नहीं रहा जनते रहते। तभी जल्दी चलते हैं दोस्तों, बोलते हैं अभी सीधी बस नहीं जाती वहाँ पे। पहले तो हमने बड़े क्यों मोदी जी ने हाईलाइट कर रखे हैं वहाँ की, जाने नहीं दे रहा और बोला जाना है, हिम्मत जाएंगे भाई। तो दोस्तों बस्ती से हमें कोई बंस वगैरह तो नहीं मिली थी, तो बंस पे चेकिंग वगैरह भी होती है और अयोध्या जाने के लिए रोक लगा रखी है मोदी जी ने, तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ वगैरह ना हो इसलिए तो हमने एक ले लिए ब्लेरो। ब्लेरो के हमें 100 रुपये पे करने पड़ेंगे दोनों के, तो हम वहाँ से रामदारी से अयोध्या पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों बस्ती से बलेरो में चढ़ने के बाद हमारी थोड़ी तबीयत सी डाउन होने लगी है और थोड़ी दूर रहा अयोध्या और अभी जल्दी से अयोध्या पहुंचते हैं। तो दोस्तों सताई पूरी हम पहुंच गए हैं अयोध्या। जय श्री राम। जय श्री राम राहुल भाई। जय श्री राम। तो अपने यात्रा संकल्प हुई और अभी देखते हैं रहने का बंदोबस्त करते हैं कोई, और देखते हैं कितनी दूर पैदल चलना पड़ेगा। और दिल से थैंक यू भाइयों को। देख सकते हो दोस्तों कलर वगैरह हो चुके हैं रस्तों को और ये कुछ पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं सारे रोड में, गांव में यही पोस्टर लगे हुए हैं लमसम। और इधर की तरफ है सब कुछ अपना तामझाम, उधर की तरफ चलते हैं अब आगे रहने की व्यवस्था करते हैं पहले। हेलो जी, अभी आपको कुछ स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, अभी देखने को मिली है। ऐसे अपने इलाके में मिल जाते हैं पर इतने नहीं हैं। तो वो देख सकते हो दोस्तों मंकी हनुमान जी के रूप, ये देख सकते हो दोस्तों श्री राम के धाम में। फाइनल दोस्तों अयोध्या पहुंच चुके थे और अब ये खाना पीना खाने जा रहे हैं। मैं ना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए रामा। तो दोस्तों देख सकते हैं बर्फ चल रहा है रास्तों को भी, तो पूरा सजाई हो रही है इसकी। ये रेलवे स्टेशन का ट्रैक है इधर की साइड, काम जोर शोरों पर है, ऑटो वगैरह सब कुछ मिल जाता है इधर। ये रेलवे स्टेशन, जय श्री राम। एक बात बोलूं, बुरे वक्त थोड़ा तहजीब में पेश आओ, वक्त को वक्त नहीं लगता बदलने में। आधे घंटे चल रहे हैं तो खाना खाने के लिए आ रहे हैं, ज़्यादा तो आपको व्यू भी चेक करा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, और एकदम तो सुबह दिखेगा आपको, वो आपको कल दिखा दूँगा। आज डिनर में दोस्तों दाल बाटी खा रही है। तो दोस्तों अपनी दो प्लेटें दाल बाटी की आ गई हैं, और ये दाल तो नहीं है आलू है आगे भी, और ये बाटी है जो हाथ में ले रखी है। क्यों भी नहीं पता खाए क्यों जाओ, दिखाया भी कौन हम तो सवारी खावा और अभी रूम पर जाएंगे और सोएंगे, और आज का ब्लॉग में बस इतना ही, और कल दिखाएंगे अपने सारा दिन में व्यू अयोध्या का पूरा।